हेलो एवरीवन, बिट्स युवा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो सेशन करने वाले हैं वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित। ब्लूम टैक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, जो कि हमने पिछले सेशन में देखा था। बेंजामिन ब्लूम एक प्रोफेसर थे, इनको जिस श्रेणी में रखा जाता है, सो ही वॉज ए बिहेवियरिस्ट, जिन्होंने बिहेवियरिस्ट बिहेवियरिज्म और कहीं ना कहीं कॉग्निटिविज्म यानी व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच में कहीं ना कहीं सिद्धांत दिया। तो बेसिकली इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यवहार को ही केंद्र में रखा। व्यवहार को इन्होंने किस रूप में देखा? व्यवहार क्या है? व्यवहार है रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स किससे आता है? ये रिस्पॉन्स आप सभी लोग पहले भी स्टडी कर चुके होंगे कि हमारे लिए बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, यानी स्टिमुलस, और स्टिमुलस से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स रिलेशन है, इसी से हमारे व्यवहार का निर्माण होता है। अब जब बेंजामिन ब्लूम इसकी स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि हमारा कोई भी अगर व्यवहार है तो वो कहीं ना कहीं हमारी सेंसेस और हमारे माइंड के बीच जो क्रिया हो रही है वहां से जनरेट होता है। अगर हम यहां देखने की कोशिश करें कि स्टिमुलस क्या होता है, तो स्टिमुलस को देखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी हमारी सेंसेस से हमें प्राप्त हो रहा है, जो भी हम अपनी सेंसेस से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो सभी कुछ क्या है? वो सभी कुछ स्टिमुलस है। और इस स्टिमुलस के प्रति जो हम रिस्पॉन्सिव होते हैं, जो भी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो हमारा व्यवहार है। अब ब्लूम ने कहा कि ये जो हमारा व्यवहार है ये इजी टू कॉम्प्लेक्स जाता है, यानी सरल से जटिल की ओर जाता है। और जब ये सरल से जटिल की ओर जाता है तो उसी आधार पर ये हमारे अंदर चिंतन को भी विकसित करता है। अब हम अगर ये देखें कि हमारा जो सरल व्यवहार होगा वो क्या होगा, सरल व्यवहार होगा किसी चीज की नॉलेज बनाना, और थोड़ा सा जटिल होगा जब हम उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहेंगे। इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग सरल होगा लेकिन एप्लीकेशन जटिल होगा। अगर फर्दर देखें, एप्लीकेशन सरल होगा लेकिन विश्लेषण जटिल होगा, विश्लेषण सरल होगा लेकिन उसका इवैल्यूएशन जटिल होगा। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पूरे थियरी को किस रूप में बांट दिया? एक हायरार्की के रूप में बांट दिया, जिसे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम का वर्गीकरण कहते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने इसको किस तरीके से डिवाइड किया। ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में सबसे पहले रखा नॉलेज या ज्ञान को, और दूसरे स्तर पर कॉम्प्रिहेंशन समझ या बोध, तीसरे स्तर पर
एप्लीकेशन, और इसके बाद तीन अन्य स्तर दिए जिसमें कि सबसे पहले एनालिसिस, वैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। आपको साइकोलॉजी की जो मेरी पुस्तक है उसमें ये पेज नंबर 50-53 पे अवेलेबल होगा। पहले तक इवैल्यूएशन टॉप पे होता था और सिंथेसिस बाद में पहले होता था, जो कि बाद में चल करके क्रथोल ने, जो कि एक सहयोगी थे ब्लूम के, उन्होंने इसे चेंज किया और सिंथेसिस को लास्ट में रखा। ये किस चीज के आधार पे है? ये है हमारे द्वारा इस क्षेत्र में किए जाने वाले चिंतन पे। इसका अर्थ ये है कि हम जब अपनी सेंसेस से किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो हमारा माइंड उस पे कितना रिएक्टिव होता है, यहां कम रिएक्टिव होता है, यहां ज्यादा होता है, तो ये इजी हो गया और यहां पे आप जटिलता की तरफ जा रहे हैं। और इन वर्गों को समझते समय, यानी कि विश्लेषण, मूल्यांकन और सिंथेसिस यानी संश्लेषण को समझते हुए आप लगभग पूरी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इसके अंदर डाल सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से। यहां पे हम एक बार एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। भाई टीचिंग के तीन स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर कौन सा होता है? अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी तीन स्तरों में आएगा। सबसे पहला स्तर होता है नॉलेज, यानी मीनिंग क्रिएट करने के लिए पढ़ाना। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा होता है रिफ्लेक्शन। अब ध्यान दीजिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में नॉलेज को सबसे पहले रखा गया, जो कि मीनिंग क्रिएट करने के लिए पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। तो ये टीचिंग का पहला लेवल है जिसमें कि नॉलेज आती है, जहां पे आप बच्चे को बताते हैं कि किस चीज का मीनिंग क्या है। इसी तरीके से दूसरा लेवल जो यहां पे कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन को यानी बोध को आप अंडरस्टैंडिंग के रूप में भी देखते हैं। तीसरा लेवल यानी कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब आप साइंस या मैथ्स में किसी फॉर्मूले को या किसी किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को लागू करते हैं तो वो एप्लीकेशन कहलाता है। लेकिन अगर वही अगर कहीं आप अगर थियरी में अगर उसे लागू कर रहे हैं और उसे चिंतन पे चिंतन कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन यानी कि वैचारिक चिंतन के रूप में शामिल होता है। तो टीचर कक्षा के अंदर सबसे पहले बच्चे को किसी मीनिंग को क्रिएट करने के लिए तैयार करता है, उसके बाद उसे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए तैयार करता है, उसे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाता है और उसके बाद वो रिफ्लेक्शन पे जाता है। अगर एनालिसिस को हम देखें तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण और कैटेगराइजेशन के रूप में इसे देखा जाता है कि श्रेणी में बांटना या वर्गों में बांटना। जब हम जो सीख चुके, जो समझ चुके, जो जान चुके, उसको जब हम वर्गों में बांटने लगते हैं या कैटेगरी के रूप में देखने लगते हैं तो वो एनालिसिस में रखा जाता है। और जब हम जांच पड़ताल करने लगते हैं प्रोज या कॉन्स देखने के लिए, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखने के लिए, तो वो इवैल्यूएशन की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी तरीके से जो हमने सीखा उन सारी चीजों को सिंथेसाइज करके और अन्य चीजों में लागू करने योग्य बनाने के लिए जब हम उन्हें जोड़ने लगते हैं तब हम उसे सिंथेसिस यानी कि संश्लेषित ज्ञान के रूप में देखते हैं। ज्यादातर जब क्रिएटिविटी का
क्रिएटिविटी को स्टडी करने की बात आती है तो हम संश्लेषण की स्थिति में होते हैं, जब जो भी हमने हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज हैं, और उसके आधार पे कुछ नई चीजों को हम सीखने की तरफ जाते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कॉग्निटिव डोमेन यानी कि चिंतन के स्तर को अनुक्रमित किया ब्लूम ने, और ब्लूम ने यहां ये देखने की कोशिश की कि हर एक लेवल पे हमारा जो चिंतन का स्तर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB के अंडर में DOE के एग्जाम की डेट आ चुकी है और CTET का एग्जाम भी दिसंबर में है, तो ये जो वीडियोस हैं, ये जो लेसन्स हैं, ये आपकी हेल्प के लिए लगातार चलते रहेंगे। आप जो मैंने आपको एक नंबर दिया था, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, 9891356556। इस नंबर पर अपने जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि एक जहाँ पे भी आपने वो क्वेश्चन पढ़ा उसकी पिक लेनी है, उसे ठीक से क्रॉप करना है, विजिबल होना चाहिए, और आप इसे व्हाट्सएप कर दें, हम आपके इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप कोई अगर ऑडियो फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर वीडियो फॉर्मेट में भी क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। बस इस नंबर का इस्तेमाल आप कॉल्स के लिए मत कीजिएगा क्योंकि कॉल्स पिकअप करने का टाइम नहीं होता है उतना। आपको अगर इस प्रिपरेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए हो तो भी आप इस माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना फीडबैक वीडियो के नीचे जरूर दें, साथ ही अगर आपको ठीक लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस डाली जाएं उनको आप देख सकें और वो टाइमली आपके सहयोग के लिए अवेलेबल हों। थैंक यू।